बाप दरोगा बेटा बना लॉरेंस का गुर्गा, पहले हिंदुस्तान को हिलाया फिर कनाडा में बैठकर किए बड़े कांड। 3 साल में 30 बार बदला ठिकाना, न मोबाइल ट्रक था न फैमिली से बतिया था, फिर कैसे लीक हुई लोकेशन। अमेरिका में लॉरेंस के खास मिशन पर था गोल्डी बराड, तभी कनाडा से आई एक कॉल और गोल्डी हो गया ढेर। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में जन्मा लड़का, जिससे घर वाले बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे, पिता पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, इसलिए शुरू से ही कानून का सम्मान करना सिखाया। लेकिन लड़का कॉलेज जाते ही कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने उसे कानून तोड़ने में नंबर वन बना दिया। साल था 2010 का, पंजाब यूनिवर्सिटी में गोल्डी बराड से लॉरेंस मिलता है और लॉरेंस को भाई साहब कहकर बुलाता है। उसके ठीक 10 साल बाद साल 2020 का पंजाब यूनिवर्सिटी में गोल्डी बराड के भाई गुरलाल के साथ कुछ लोग गलत करते हैं, जिसका बदला लेने के लिए प्लान गोल्डी बनाता है। लॉरेंस बिश्नोई गुर्गे उसका साथ देते हैं और बदला पूरा करते ही गोल्डी विदेश भाग जाता है। कहते हैं कि जब फर्जी वीजा पर गोल्डी भागा था तब उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था, और जैसे ही कनाडा पहुंचा और ओंटेरियो के ब्रैम्पटन शहर में जहां सबसे ज्यादा सिख रहते हैं वहां छिपने की कोशिश की, क्योंकि उसे दो डर थे, पहला कनाडा पुलिस कहीं पकड़कर इंडिया ना भेज दे और दूसरा लॉरेंस के दुश्मन कहीं लोकेशन ना जान ले। जैसे हर बदमाश अपना सिम कार्ड लगातार बदलता रहता है, फैमिली से दूर रहता है और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए नए नए तरकीब अपनाता है, साथ में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता है, करीब 70 ट्रक खरीद कर करोड़ों कमाने लगता है। कनाडा में ट्रक का बिजनेस अच्छा चलता है, इसीलिए उसके सहारे वो अपने काले कारनामों को भी अंजाम दे रहा था। यहां तक कि मूसेवाला के साथ जो हुआ उसका मास्टरमाइंड ये गोल्डी बराड ही था। इसीलिए भारत की ओर से जब शिकंजा कसना शुरू हुआ तो गोल्डी अमेरिका भाग गया और लॉरेंस के दूसरे बड़े मिशन पर लग गया, जिसका प्लान कनाडा में बैठे लॉरेंस के दो दुश्मन अर्शदीप और लखबीर ने फेल कर दिया। जिसके बाद हर कोई ये पूछने लगा कि जिसका पता पुलिस के पास भी नहीं, जिसे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई, उसका पता कनाडा में बैठे कुछ लोगों को कैसे लगा। तो इसकी कहानी भी बड़ी खास है। करीब 6 महीने पहले गोल्डी बराड ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें एंकर ने पूछा सवाल, कनाडा पुलिस ने तुम्हारे ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम रखा है, भारत के अलावा कनाडा पुलिस की वांटेड लिस्ट में हो। जवाब, मैंने कनाडा में कुछ किया ही नहीं, मैं तो 2-3 साल से कनाडा से बाहर हूँ, कनाडा में हुई ही नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों कनाडा पुलिस इस तरह का बयान दे रही है। गोल्डी के इस बयान के बाद एक तरफ पुलिस भी उसे जहाँ पर ढूंढने लगी तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों ने भी अपनी गुर्गी की मदद से इसका पता निकलवाना शुरू कर दिया। और आखिर पता मिला अमेरिका के हेटमायर का, जहां शाम के वक्त कुछ लोग पहुंचे और गोल्डी के साथ में वो करते हैं जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था। जिस इलाके को वो अपना इलाका समझ रहा था वहां वो ढेर हो जाता है, और इसी के साथ लॉरेंस का वो बड़ा मिशन फेल हो जाता है, जिसके दम पर वो फिर से हिंदुस्तान को हिलाने की साजिश रच रहा था। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि लॉरेंस भले हिंदुस्तान की जेल में बंद है, पर यहां से बैठकर वो विदेश में बैठे अपने गुर्गों को ऑर्डर देता है। और एक ऐसा ही खुलासा बीते साल नवंबर महीने में हुआ था, जब अजरबैजान से इंटरपोल ने सचिन थापा नाम के लॉरेंस के गुर्गे को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में कहा था, जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे टास्क दिया था कि आर्मेनिया जाओ और लकी पटियाल का हिसाब बराबर कर दो। बॉस के आदेश के बाद मैं दुबई से अजरबैजान पहुंचा, जहां पहले ही रोहित गोदारा मौजूद था। हम दोनों ने लकी पटियाल के खिलाफ प्लान बनाया था, लेकिन प्लान लीक हो गया और इंटरपोल ने सचिन थापा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गोल्डी बराड के केस में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कहते हैं कि जो आप करते हैं उसकी सजा भी आपको यही मिलती है।